नमस्कार उत्तराखंड, मैं भावना और स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आज जो है मंदिर में काफ़ी सारी भीड़ है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे जो है रुकी हुई हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज माँ काली के मंदिर में जो है रानीखेत से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे एक भैया आए हुए थे, पापा से बोल रहे थे कि पूजा के लिए एक थाली चाहिए। तो यहाँ पे जो है पापा ने एक थाली दे दी थी उन्हें किचन में से निकाल के पूजा करने के लिए, और बाद में जो है वो हमें वापस करके जाएंगे। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि रानीखेत से ना काफ़ी सारे लोग आए हैं यहाँ पे। ये हर साल जो है नवरात्रि में आते हैं, मतलब दशमी के दिन पे, और यहाँ पे जो है पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, और बकरी यहाँ पे कटती है, ये लोग लाते हैं और बकरी जो है यहाँ पे काटते हैं। तो हमारे जो माँ काली का मंदिर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है ये, और इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। तो यहाँ पे देखो, औरतें जो हैं बहुत सारे जो हैं इतने प्यारे प्यारे भजन कीर्तन यहाँ पे गा रहे थे। तो दूर दूर से ना यहाँ पे लोग बागेश्वर, पिथौरागढ़, रानीखेत, अल्मोड़ा और भी बाहर बाहर के लोग जो है यहाँ पे मंदिर में आते हैं और बहुत मानते हैं माँ काली को और चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो है सभी लोग, हम लोग भी देख रहे थे, तो मैं वीडियो शूट कर रही थी आप लोगों के लिए, और यहाँ पे जो है विदिशा और वैष्णवी भी बैठ के देख रही थी, और मेरा हो रहा था ट्यूशन का टाइम, इन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो चलो मैं इनको बुला रही थी। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। और फिर आप, एक टीम आती है हमारे वहाँ पे शाम को जो है रानीखेत से, जो है आज दुर्गा माता का जो है विसर्जन भी करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी शाम को। तो ये देखिए, और जो है आज मैंने आपको जैसे सुबह बताया कि शाम को जो है दुर्गा माता को विसर्जन करने के लिए आते हैं, ये भी जो है रानीखेत के लोग ही हैं। ये नवरात्रियाँ वहाँ पे होती है और उसके बाद से जो दशमी के दिन पे ये यहाँ पे दुर्गा माता को जो है विसर्जन करने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम होता है हमारे वहाँ पे, लेकिन इस बार जो है कोरोना की वजह से बहुत ही सिंपल तरीके से हो रहा है। अगर शायद कोरोना नहीं होता ना, तो मैं आपको दिखाती काफ़ी, आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन फिर भी जितना भी अभी हो पाया है लॉकडाउन में, तो फिर भी बहुत अच्छा हुआ। और यहाँ पे देखिए, वैशु को जो है प्रसाद मिला था और वैशु खा रही है यहाँ पे प्रसाद। तो हम लोग जो है देखने के लिए आए थे, तो यहाँ पे देखिए माता को जो है जितने भी सोने के आभूषण पहनाए हुए होते हैं वो विसर्जन करने से पहले सारे उतारते हैं। तो यहाँ पे बस एक एक करके जो है माता के आभूषण को उतार रहे हैं। और हमारे वहाँ पे जब ये लोग आते हैं रानीखेत के लोग, तो हम लोगों को भी निमंत्रण होता है। तो यहाँ पे जो है शादी ब्याह में की तरह यहाँ पे टेंट लगता है, बिल्कुल खाना वगैरह, क्योंकि सुबह से जो है तैयारी हो जाती है। ये लोग आते हैं शाम को, तो अभी टाइम जो हो रहा है वो बज रहे हैं, शाम के 3 बज रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी चाची की लड़की जो है, मतलब इतनी भीड़ हो रही थी कि इसे रास्ते में जगह नहीं मिली, तो ये खेत के रास्ते आ रही थी। और काफ़ी अच्छा लगता है हमें, हम ना इस दिन का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि दशमी के दिन कब रानीखेत वाले आएंगे यहाँ पे मूर्ति विसर्जन करने के लिए, माता की मूर्ति के लिए विसर्जन करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है। और इस बार जो है खाने वगैरह का कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कोरोना जो था, कोरोना की वजह से। तो यहाँ पे जो है माता की सारे आभूषण निकालने के बाद जो है पूजा होगी, उसके बाद से माता का विसर्जन किया जाएगा। तो चलिए फिर आप भी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे गांव में माता का जो है विसर्जन करते हैं। बहुत धूमधाम से मनाते हैं सभी लोग। Thank you.
दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। हम सब उतारे तेरी आरती। हमको भी है थोड़ी सी और यहाँ पे जो है हम लोग सभी लोग जो है प्रसाद लेके आ रहे थे, और यहाँ पे प्रसाद में मिलता है चना, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। प्रसाद जो है बहुत अच्छा हो रहा था क्योंकि इसमें अदरक कच्चा मतलब क्रश करके डाला हुआ था, और हरी मिर्च जो है क्रश करके डाली हुई थी। बच्चे तो ये देखिए यहाँ पे जो है माँ दुर्गा को नदी पर लेके आ गए हैं, और अब करेंगे उनका विसर्जन। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।